मेहरा क्लास में आपका स्वागत है सभी स्टूडेंटों का। और मैं प्रेम मेहरा जो आपको क्लास पढ़ा रहा है वो अपना चैप्टर चल रहा था अनुपात वाला कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने चलाया था एवरेज मतलब औसत, इसकी अपन दो क्लास लगा चुके। आज ये अपने दोस्तों तीसरी क्लास है। तो इसमें अपन दो क्लास पढ़ाई थी, वो बेसिक पढ़ाई थी और उसके बाद में धीरे धीरे अपन को बढ़ना है आगे। और एकदम बढ़ते हुए अपन जो क्वेश्चन क्या है ये देखो कि ए बी और सी चार क्रमागत संख्या, चार क्रमागत विषम संख्याओं का जिनका औसत अपन दे रखा 42। अब जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है वो कैसे कैसे आ सकता है कि जो चार संख्याओं का ए बी का योग पूछ सकता है, ए बी सी तीनों का योग पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है ए और सी का अंतर भी पूछ सकता है, या फिर वो पूछ सकता है कि ए बी और सी तीनों का योग उसमें से डी को घटा दिया जाए तो क्या होगा। फिर वो ये पूछ सकता है कि ए बी सी का ए बी का गुणनखंड पूछ सकता है, ए डी का गुणनखंड पूछ सकता है, ए बी का योग माइनस ए बी का योग और माइनस सी और डी का अंतर, मतलब ए बी का और सी डी का अंतर पूछ सकता है। इस प्रकार से अपन ने ये सात क्वेश्चन लिखा है। सात क्वेश्चनों को एकदम सटीक जवाब दूंगा, क्लास के साथ सुचारू रूप से बने रहे, कंटिन्यू देखते आप। कि दोस्तों अपन ने जो चार विषम संख्या थी वो कौन कौन सी है, तो अपन जो चार विषम संख्या है वो लिखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट विषम संख्या हो गई ये वाली। उसके बाद में एक और बात बता देता हूँ, सम और विषम में अंतर क्या होता है। सम संख्या वह होती है समान समान जिसमें दो का भाग पूरा पूरा चला जाता है, वो होती है सम संख्या दोस्तों। और विषम संख्या क्या होती है, जिसमें दो का भाग पूर्ण तरीका से नहीं जाता हो, क्यों है नहीं जाता हो, जैसे कि एक तीन पांच सात ग्यारह तेरह सत्रह, ये होती है विषम संख्या है। और जो सम संख्या होती है जिसमें दो का भाग पूरा पूरा चला जाता है, दो चार छ आठ दस बारह, ये होती है दोस्तों। अब देखते हैं तो विषम संख्या का मतलब लग के एक संख्या ये होगी तो दूसरी संख्या होगी तीन, एक्स प्लस पांच एक्स प्लस सात, तो ये तो क्या होगी चार क्रमागत संख्या। क्रमागत का मतलब क्या होता है कि क्रम से चलती हुई, एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन, ये अपने साथ में। अब जो इनका औसत दे रखा है वो 42 दे रखा है, 42 दे रखा है, तो देखते हैं इनको जोड़ो तो वो देखो एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस फाइव प्लस एक्स प्लस सेवन, ये टोटल कितना है चार। और जो इनका योग दे रखा है अपन को दे रखा है 42 दोस्तों, ये 42 दे रखा है। अब अपन को 42 इनका योग दे रखा है तो कैसे करेंगे, अपन पहले x वाली संख्या एक तरफ कर लो और अंक वाली संख्या एक तरफ कर लो दोस्तों। देखते हैं एक दो तीन चार, तो ये हो गया चार एक्स प्लस एक तीन चार, चार और पांच नौ, नौ और सात सोलह, ये हो गया दोस्तों सोलह बटे चार बराबर जो एवरेज बता रखा है वो बता रखा है 42। तो यहां पे आ गया अपना 42 दोस्तों। अब कैसे करेंगे अपन, अब इसको यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो चार एक्स प्लस सोलह बराबर इसको किया तो चार गुणा दो के तो आठ हो गया, चार गुणा चार के सोलह हो गया, मतलब 168 आया दोस्तों। जब 168 आ गया तो अपन को x का मान निकालना है, चार एक्स बराबर 168 में से अपन 16 घटा देते हैं तो चार एक्स बराबर आता है अपने पास में 152। अब जो 152 आया इसको अपन ने काटा, चार का भाग दिया तो तीन बार गया, फिर हो गया तीन 32 हो गया, चार का भाग दिया तो आठ भी हो गया, मतलब x का मान आ गया अपने पास में दोस्तों 38। जब x का मान 38 आ गया तो अब देखो वहां पे अपन क्वेश्चन का जवाब देते जाते हैं कि जो पहला क्वेश्चन था ए कितना, ये
तो 38 मतलब ये ए हो गया, ये बी संख्या हो गई, ये सी हो गया और ये डी हो गया। इस प्रकार से ये संख्या है, तो ए और बी का योग, तो ए का मतलब हो गया 39, क्योंकि 38 + 1 39, और 39 38 और 3 41, जो टोटल निकल के आया ये 80। मतलब कह सकते कि ए और बी संख्या का योग कितना है 80। ये क्वेश्चन अपना पहला कंप्लीट। अब क्वेश्चन सेकंड की बात करते, ए बी सी 3, तो मतलब ए बी का तो कितना हो रहा है 80 प्लस 38, ये 38 से 5 जोड़ा तो अपने हो गया 43। अब 43 यहाँ पे ऐड किया अपन ने, तो वो कितना हो गया 3, 4 और 8 कितना हो गया 12, तो मतलब 123। तो ए बी सी 3, ए बी सी तीनों का योग कितना है 123। तो अपना क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन है ए और सी का अंतर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए का मतलब होता है 39, तो यहां पे 39 हो गया, तो यहां पे 39 हो गया दोस्तों, ये 39 हो गया। अब सी का मान देखते हैं अपन, ए और बी का अंतर निकालना। सी का मान क्या है 43, तो कितना हो गया, जो मान हुआ वो 4 गया। क्वेश्चन नंबर चौथा, तो मतलब 3 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है ए बी सी तीनों का योग कितना है, तो तीनों का योग 123 है। माइनस सी कितना है, सॉरी डी कितना है, तो डी एक एक्स और 38, एक्स का मान यहाँ रखेंगे तो 45 हो जाएगा, तो एक 45 अपन ने इसमें से घटाया, 45 में से घटा दिया अपन ने, कितना बचा, जो बचा जैसे कि अपन कहते 23 ये गया, 23 दूना 46 होता है, 23 दूना 46 23 ये गया, तो मतलब 100 में से 23 चले जाता है, तो 20 गया तो 80 बचा, 80 और 80 में से 4 गए तो ये बचे 76, तो ये आ गया 76। अब क्वेश्चन ए और बी का, ए और बी का जो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 5 ए और बी का गुणनखंड। ए का मतलब होता है 39 और बी का मतलब हो गया है अपन के अभी किया था 41। इसका अपन को मल्टीप्लाई करना है, तो वो कैसे करेंगे, नॉर्मल कर लेते हैं वैसे काम, एक से गुणा किया तो 39 और 9 + 36 का 6 का 3 की हासिल, और ये 12 + 3 = 15, 9 हो गया 15। मतलब ए और बी का गुणनखंड है जो कितना है 1599, कितना है 1599 दोस्तों। तो ये 1599 आ रहा है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 का है। अब अपन करना है क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है कि ए और डी का गुणनखंड, ए और डी का, ए का मतलब हो गया 41, सॉरी ए का मतलब हो गया है 39, ए का 39 और डी का हो गया मतलब 45, डी का 45 हो गया, 45 से अपन गुणा कर देते हैं 45। अपन अब डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो बेसिक तरीके से बताएंगे, नॉर्मल एक एक चीज को बता रहे हैं, तो देखते हैं 9 × 5 के 45 और 5 × 4 और 5 × 3 के 15 × 4 = 19। ये हो गया, अब 4 × 9 के 9 + 36, 36 + 6 = 3। अब अपन करेंगे 12, 4 × 3 के 12 × 3 = 15। ये हो गया 51, 5 × 5 और ये 9 + 6 = 15, 15 × 5 = 81। ये हो गया दोस्तों 1755 रुपये, एकदम बेसिक तरीके से बता रहे हैं आपको, इतनी बेसिक तरीके से आप किसी भी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पर नहीं पढ़ सकते, वो क्या डायरेक्ट ले देता है स्टूडेंट, वो समझ में नहीं आता है कि कैसे आया कैसे नहीं आया, डायरेक्ट काट देता है, तो वो अपने यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता, अपन तो बेसिक तरीके से पढ़ाया जाता है दोस्तों। अपन देखो कि ए और बी
ये क्वेश्चन नंबर पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया और ये छठा हो गया। अब अपन को लास्ट क्वेश्चन करना है सातवां, जो यहाँ बताने का जो सातवां क्वेश्चन है वो ए और बी, तो ए और बी अपन ऊपर से ले सकते हैं, ए बी का योग कर 80, ए बी का योग 80 था, तो सी और डी का योग कितना है? अपन को सी और डी का योग, तो सी और डी का योग था, एक सी का योग है वो 38 और 2 38 और 5 43 प्लस 45, तब इनको जोड़ेंगे 3 और 5 8 और ये 88, तो अपन कह सकते हैं 88 माइनस 80 मतलब कि 8। दोस्तों अपन को यही तो बात पूछिए, अपन एक तरीका से एकदम बेसिक तरीके से अपन को आपने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, मतलब एक क्वेश्चन में 7 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने आपको 7 ही प्रकार के क्वेश्चन आपको बता दिए, इसके अलावा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम करना, इसी पैटर्न पर आएगा और ऐसे कैसे अपन को करना है दोस्तों। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, अपन इसको यहाँ पे एक्स संख्या का औसत अपन को दे रखा है बाई, और बाई संख्या का औसत दे रखा अपन को एक्स, तो सभी संख्या का औसत क्या होगा ये अपन से पूछा है। अपन जो बेसिक क्लास लेवल से चल रहा है वो बेसिक था, जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें अपन ने 7 क्वेश्चन करवाए थे, एक ही क्वेश्चन से 7 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताया था। इससे देखो अब अगला क्वेश्चन कि जो एक्स संख्या का औसत है, एक्स संख्या होगा औसत वो हो जाता है एक्स और पाई। अब अपन पूछ रहे पाई संख्या का औसत एक्स है, पाई संख्या का औसत औसत एक्स और पाई। इस प्रकार से अपन करते हैं, अब अपन जो पूछा है कि सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, जो संख्या सब कौन कौन सी एक्स और पाई दो संख्या अपने पास में है, तो देखते हैं सभी संख्याओं का औसत, जो सभी संख्या का औसत है वो हो गए एक तो एक्स और वाई प्लस एक्स और वाई, और जो संख्या है वो एक्स और वाई, ये संख्या है। अब अपन जब एक ये बराबर का ये बराबर तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टू एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई कर दिया, इतनी अच्छी तरीके से सॉर्ट एंड सूट आंसर निकल गया। अगर क्वेश्चन में मजा आ गया होगा दोस्तों क्वेश्चन में, इस तरीके से अपन एवरेज अपन ने निकाल लिया दोस्तों। अब देखते ये अपना एवरेज निकल गया, कभी ऐसा भी होता है कि एक्स संख्या का औसत वाई उसका है और वाई संख्या का औसत है एक्स उसका, तो सभी संख्या का औसत निकालिए, इसका भी अपन अच्छे और आसान तरीके से अपन को क्वेश्चन बताएगा कि अपन ने बोला एक्स संख्या औसत निकल के आपने पास मारा है बाई एक्स पूछा है एक्स बाई पूछा है, और जो बाई संख्या है उसका अपने पास में एवरेज निकल के आया एक्स पूछा और बाई ये निकल के आया, ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ एक्स उपचार एक जो एक्स संख्या का औसत है वो बाई उपचार है और बाई संख्या जो औसत है वो एक्स उपचार है, तो सभी संख्या का अपन को औसत निकालना है, तो एक्स संख्या का औसत निकाला वो अपन निकाला एक्स बाई उपचार और बाई संख्या का निकाला वो था एक्स उपचार। यहाँ पे लेते अपन एक्स उपचार प्लस एक्स
पाई का, बट जो संख्या है वो एक्स प्लस पाई है। अब अपन को दोस्तों क्या करना है, एक ऐसी संख्या कॉमन ले ली है जो दोनों में हो, किसमें हो, दोनों में हो, तो वो संख्या है अपने पास में एक्स भी है इसमें भी है इसमें भी है पाई इसमें भी है इसमें भी है। तो अपन क्या करते हैं, एक्स वाई अपन कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें से एक्स ले लिया पाई ले, तो क्या बच गया अपना अपने पास में एक्स बच, इसमें से एक्स वाई गया तो पाई तो वहाँ है क्योंकि वाई क्यू में हुशियार में क्यू में हुशियार में, तो अपन पाई बच गए यहाँ पे पाई बच गए। और बटे में क्या चल रहा है, एक्स प्लस पाई एक्स प्लस पाई। तो अब देखो अच्छी तरह से दिखेगा, एक्स प्लस वाई ऊपर भी एक्स प्लस वाई नीचे भी, तो ये दोनों क्या है कट जाएंगे, तो ये कट गया तो अपन का जो आंसर निकल के आया वो एक्स वाई, ये अपन दोस्तों आंसर निकल गया। ये तो अपन से पूछा है कि सभी संख्या का औसत क्या होगा, तो वो औसत होगा एक्स वाई, और ऊपर वाले का क्या हो गया टू एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। दोनों में डिफरेंट किस बात का है, डिफरेंट है इसमें क्या है कि इस वाले में जो एक्स वाई आया वो एक्स स्क्वायर में आया और वाई स्क्वायर में आया, क्योंकि एक्स संख्या का औसत है जो वाई स्क्वायर है, और जो वाई संख्या उसके एक्स का औसत निकलता है, तो सभी संख्या का औसत निकला वो एक्स वाई आया। अगला क्वेश्चन, एक्स संख्या का औसत वाई है और वाई संख्या का औसत एक्स है, उसके एवरेज निकल के आया अपने पास क्या निकल गया टू एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, वो निकल गया। तो देखते अब अगला क्वेश्चन, देखते अगला क्वेश्चन, अपने उसी क्वेश्चन में अपन अदला बदली कर दिया गया है, तो देखते हैं कि सात संख्या को औसत अपन को 15 दे रखा है दोस्तों, और जो पाँच संख्या को औसत अपन दे रखा है 11, तो 11 पाँच का औसत है और सात का औसत 15 है, तो मतलब पाँच और सात 12 है, तो 12 संख्या को औसत कितना हुआ यह अपन से पूछा दोस्तों, कि सात संख्या को औसत 7 × 15, तो 7 × 15 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 15×7 = 105 105 हो गया। अब पाँच संख्याओं का औसत कितना होता है 11, अब पाँच संख्या का औसत ये कितना होगा 55, ये 55। अब सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्या कितनी है 55 + 105 7 + 5, ये तो अपन से पूछा ये संख्या दोस्तों, अब अपन को 7 × 5 = 12 हो गया, और ऊपर कितना हो गया 160 बटे 5। अब नॉर्मल करते हैं अपन, 4 से इसमें भाग के कितनी हुआ, और 4 से इसमें 4 कितना आ गया 40, बात करें इसमें अपन का भाग दिया अपन ने एक बार क्या दोस्तों, एक बार भाग जाने के बाद शेष एक बच गया, एक और जीरो ताल तो 10 हो गया, 10 में अपन 3 का भाग देंगे, 3 बार गया ये 3 बार, अब बच गया क्या एक, फिर अपन बॉन्ड लगा देते हैं, फिर अपन इसमें 10 में 3 का भाग देंगे 3 हो जाता 3, तो मतलब हो गया कि 13.33 जो एवरेज निकल के आया था इस, ये तो अपन सब सीधा हो सकता। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि 7 संख्या 7 संख्याओं का औसत सिंगा हो सब पाँच है, पाँच है, पहली 3 सिंगा हो सब, पहली 3 सिंगा हो सब
क्या हुआ, सब दे रखा हूँ 10। तो अंतिम दो संख्या का औसत क्या होगा? आज के लिए इतना ही, काफी क्लास, धन्यवाद।